आज हम आपको रंगरूटों की दशा के बारे में बताएंगे और एक रंगरूट से ही सुनाएंगे कि किस कदर वो पानी के लिए परेशान है, कैसे उन्हें पानी ढोकर लाना पड़ता है और उन्होंने मोदी जी की आवाज निकालकर अपनी इस परेशानी को बताने की कोशिश की है। तो कैसे ये रंगरूट मोदी जी की आवाज में बातें कर रहा है और मोदी जी किस कदर जब वहां पर पहुंचे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं रंगरूटों से कि तुम इतनी पानी कैसे ढो पाते हो, इस पर रंगरूट ने किस कदर उनकी मिमिक्री की है, देखिए ये वीडियो। पठानकोट बहुत बा गया मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन इस बार मेरा दौरा आरटी सेंटर नासिक रोड का है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज सुबह से आरटी सेंटर नासिक रोड का विजिट कर रहा हूँ। सुबह में ड्रिल ग्राउंड में गया, डब्ल्यूटी ग्राउंड में गया, गन पार्क में गया भाइयों बहनों, लेकिन मुझे एक चीज का बहुत ही कमी महसूस हुआ कि इतने धूप का महीना है, इतने धूप निकल रहे हैं, लेकिन पीने का पानी का प्रबंध कहीं नहीं। ए रंगरूटों को देखा कि मैं एक रंगरूट को बुलाकर पूछा कि बच्चे ये जो तुम लोग कैरी कर रहे हो पानी का कैन, 8 बजे लेकर आते हो ब्रावो रेंज में या 10 बजे रात तक ये पानी चल जाता है क्या? वो रंगरूट ने मेरे से बोला कि साहब क्या करें, आधे तो पानी हम पीते हैं, हमारे उस्ताद तो पानी लेकर जाते नहीं हैं, आधे पानी तो WTI इंस्ट्रक्टर साहब पी जाते हैं। मित्रों, मैं वहां सोचा मैं माननीय कमांडर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये जवाब चाहता हूँ कि ब्रावो रेंज में आरोप का पॉइंट होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक फैमिली क्वार्टर के लिए आरोप पॉइंट लग गया है, लेकिन जो हमारे देश के भविष्य हैं, पूरे दिन रगड़ा खाते हैं, इनके लिए कोई वेलफेयर नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। गजब यार। तो ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि रंगरूट कितने परेशानी में हैं। इन रंगरूटों की परेशानी आपके समझ में आ गई होगी, इतने ज्यादा परेशान हैं फिर भी हंसते मुस्कुराते हुए अपने दिन गुजारने को मजबूर हैं। देश की सेवा इतनी आसान नहीं है साहब, देश की सेवा में सब कुछ निछावर करना पड़ता है। तो इन रंगरूटों को ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके जज्बे को सलाम है। जय हिंद। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।